नमस्कार, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मेरा नाम है कविता। आज हम एप्पल को यूज़ करके सेब से एटलीस्ट 4 वैरायटी के आहार बनाएंगे छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली 6 महीने के ऊपर के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं बेनिफिट्स एप्पल के। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, बच्चों को एनर्जाइज रखने में मदद करता है, विटामिन सी, B1, B2 भी है, बहुत अच्छे मिनरल्स हैं। ये स्किन और ऑर्गन्स को अच्छे कंडीशन में रखने में मदद करता है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो आस्थमा दूर रखता है, और इसमें ये विजन अच्छे करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा और बेनिफिट्स हैं। तो सबको पता है एप्पल सबके घर में रहता है, कितना बेनिफिशियल है छोटे बच्चों के लिए। 6 महीने के बाद से आप इसे दे सकते हैं। पहले प्यूरी फॉर्म में दें तो बेहतर है, जब वो अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है। बाद में इसे कद्दूकस करके रेसिपीज में डाल के बना सकते हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखाऊँगी अभी। और बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो मैं आगे दिखा के बताती रहूँगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखा रही हूँ एप्पल सॉस या एप्पल प्यूरी। 6 महीने से ऊपर के बच्चे के लिए ये बनाया जा सकता है। एप्पल का छिलका निकाल के ऐसे मोटा मोटा काट के मैंने एक बर्तन के अंदर डाला है इसे। इसके साथ मैं दालचीनी डाल रही हूँ, ये फ्लेवरिंग करता है, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब आप एप्पल पकाते हैं थोड़ा खटास सा हो जाता है, जो कोई बच्चे पसंद नहीं करते, बट जब ये डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा बन जाता है। और आपको कैंड प्यूरी जो मिलते हैं बच्चे के लिए, उसमें ऑलमोस्ट लाइक गर्बर या कोई बड़े बड़े ब्रांड इसी को डाला जाता है, और इसीलिए उसका टेस्ट बच्चे को पसंद आता है। तो ये ज़रूर ट्राई करना, बच्चे को ज़रूर पसंद आएगा। ढक्कन बंद करके पकाने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हम इसे एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये दालचीनी जो हमने डाला है इसे ग्राइंड नहीं करेंगे, आप फेंक सकते हैं या फिर किसी और चीज़ में इसे यूज़ कर सकते हैं। बट बच्चे के लिए सिर्फ इसका पीस डाल के फ्लेवर जब उबल रहा है तभी इस एप्पल में आ जाएगा, काफ़ी है ये। ढक्कन बंद करके इसे हम पूरा प्यूरी जैसे बना सकते हैं, या फिर एक स्पून या फोर्क की सहायता से इसे मैश करके भी उपयोग कर सकते हैं। शक्कर अगर चाहे तो 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए यूज़ कीजिएगा, पर एडवाइस नहीं है 1 साल तक नमक और शक्कर और शहद भी नहीं। एप्पल सॉस तैयार हो चुका है, ये ऑलरेडी बहुत ही टेस्टी रहेगा। एप्पल और गाजर का प्यूरी है ये। सेब और गाजर बच्चों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस माने जाते हैं, और इसीलिए इसे ज़्यादातर बेबी रेसिपीज़ में आप देख सकते हैं। ये स्टीमिंग मेथड से बना रही हूँ इस बार। ये वेजिटेबल स्टीमर बास्केट अमेज़ॉन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। हमारे टॉट्स एंड मॉम्स अमेज़ॉन स्टोर है, वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। कहा जाता है जब स्टीम करते हैं तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बच जाता है, मतलब पकाने के डिफरेंस में ये कहा जाता है। तो ये मेथड भी दिखा रही हूँ यहाँ पे। इसे इक्वली स्प्रेड आउट कर देंगे। थोड़ा मोटा मोटा काटा है मैंने एप्पल को, पर गाजर को थोड़ा पतला काट रही हूँ ताकि ये जल्दी से उसके साथ पक जाए। ढक्कन बंद करके इसे हम पकाएंगे ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट। एक फोर्क को अगर आप डालेंगे अंदर तो आसानी से चले जाए अंदर। तो ये पक चुका है, तब आप इसे एक ब्लेंडर जार में लेके इसका प्यूरी बना सकते हैं। इसमें मैंने एडिशनल पानी, थोड़ा सा ये जो स्टीमिंग के लिए यूज़ किया था उसी को यूज़ कर रही हूँ।
प्यूरी जब बनाएं बच्चे के लिए तो सेमी सॉलिड पानीदार नहीं रहना चाहिए, उंगली में उठाएं तो ठहरना चाहिए, उतना गाढ़ा ज़रूर होना चाहिए, वरना ये बच्चे के लिए पानी ही ज़्यादा दे दे तो क्या रहेगा। इसीलिए हमारे चैनल में हम कभी भी दाल का पानी, चावल का पानी, बार्ली का पानी, किसी भी मूंग की पानी भी हम सजेस्ट नहीं करते। सॉलिड का मतलब सॉलिड ही होता है, सॉलिड ही देना चाहिए बच्चे को। अभी प्यूरी बनाते वक्त आप चाहे तो थोड़ा सा जीरा पाउडर या दालचीनी पाउडर या इलायची का पाउडर डालेंगे तो फ्लेवर एडिशनल हो जाएगा, वरना फिर भी ये दोनों मिक्स होके बहुत ही टेस्टी सा प्यूरी बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगेगा उन्हें भी। तो तैयार है कैरेट एप्पल प्यूरी। चावल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और बच्चों के लिए इसके साथ कैसे एप्पल का अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाया जाए दिखा रही हूँ। एक प्रेशर कुकर में मैं घी डाल रही हूँ पहले, उसके साथ ये धो के मैंने यहाँ पे चावल रखा था उसे डाल रही हूँ। भिगो के भी डाल सकते हैं, जल्दी पक जाएगा अगर 10-15 मिनट भिगो सके तो। और चावल उतना ज़्यादा सोचिएगा मत, जो आप यूज़ कर रहे हैं वही आपके बच्चे के लिए बेहतर है। ऐसा नहीं कि ब्राउन राइस, कुछ केरला वाला राइस लाके दे दे, क्योंकि डाइजेशन कंसर्न हो सकता है शायद। जो आप अपने बॉडी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, आपका बच्चा हेरिडिटी वाइज उसे वो नॉर्मली ही डाइजेस्ट हो जाएगा। सडनली कुछ और दे रहे हैं तो थोड़ा बच्चे को बढ़ने दीजिए, इमीडिएटली इस छोटे से बच्चे के लिए ट्राई मत कीजिएगा कुछ वेराइटी। के साथ मैं पानी डाल रही हूँ। एक मिनट मैंने घी के साथ इन दोनों को मिक्स किया, क्योंकि फ्लेवर अच्छा आता है और अच्छी तरह से पकेगा भी। और फिर से रिपीट कर रही हूँ छोटे बच्चे के लिए, नमक, शक्कर, शहद 1 साल तक मना है। उनकी किडनी को प्रॉब्लम हो सकता है नमक देने से, ज़्यादा शक्कर देने से उन्हें ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ इश्यू बहुत जल्दी ही बहुत छोटे उम्र में हो सकती है। तो हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव बन जाते हैं बच्चे, इसीलिए शक्कर आवश्यकता नहीं है उन्हें 1 साल तक। जो भी नेचुरली, यहाँ पे देखिए चावल का भी थोड़ा सा टेस्ट रहता है नेचुरली, अगर हम वैसे ही चावल खा सकते हैं ना। अभी एप्पल डाल दिया तो एडिशनल फ्लेवर यही हो गया हमारे लिए, जो सादा है बच्चे के लिए ये फ्लेवर है। उनका टंग बहुत माइल्ड टेस्ट को भी जज कर सकता है, पकड़ सकता है, पसंद कर सकते हैं। अभी मैंने ब्लेंड किया है, वैसे भी चाहे तो दे सकते हैं, थोड़ा सा स्पून में मैश करके दे सकते हैं, या फिर ऐसे प्यूरी जैसे भी दे सकते हैं। अमरांत के बीज आजकल बहुत फेमस हैं, कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे आजकल ये। अमरांत के बीज से मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो पाउडर जो मिलता है उससे भी इसी तरह दलिया बना सकते हैं। अभी मैंने इसे भिगो के रखा है 4 से 10 घंटे तक, रात को ही अगर भिगो दे तो बेहतर है। ये धो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत छोटा सा है, राई जैसे रहता है, तो ऐसे ही भिगोइएगा। कोई अच्छे ब्रांड का है तो इंडस्ट्रियली क्लीन रहेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर कुकर में पकाएं तो बहुत बेहतर है, जल्दी पक जाएगा, वरना आधे घंटे से ऊपर लगा मुझे इसे पकाने में। अभी दूध डाल रही हूँ और सेब डाल रही हूँ। दूध किसी चीज़ को पकाने के लिए बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1 साल तक दूध को माँ के दूध के बजाय या फॉर्मूला मिल्क के बजाय नहीं दे सकते। कोई भी रेसिपी मैं बनाती हूँ तो बहुत लोग पूछते हैं, एक वीडियो में आप कहते हैं कि गाय का दूध मत दो और दूसरे वीडियो में दूध यूज़ करते हो, तो ये है कारण। अभी मैंने दालचीनी का पाउडर डाला और यहाँ पे गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ, जो 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए चलेगा। घी डाल रही हूँ थोड़ा, बहुत खीर जैसे लगेगा, हम भी खा सकते हैं, डाइट फूड भी बन सकता है अगर आप कुछ खा के बहुत देर तक एनर्जाइज रहते हैं, इसीलिए आप भी यूज़ कर सकते हैं इसे। 30 मिनट तक तकरीबन लगा इसे पकाने में, और ये थोड़ा दानेदार ही रहता है राई या रवा के तरह, वैसे ही आप बच्चे को दे सकते हैं या फिर ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड करके भी दे सकते हैं।
अमरांत का पाउडर मिले, सो उससे भी आप इसका ऐसे ही मेथड में फॉलो करके पॉरेज या दलिया बना सकते हैं। बहुत सिंपल से ये चार रेसिपी मैंने दिखाए हैं और बहुत सारे रेसिपीज़ हैं हमारे ब्लॉग में, 10 से ऊपर हैं, तो उसे जाके चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ऐसे ही दलिया के रेसिपी हैं, चावल के रेसिपी हैं और ओट्स के रेसिपी हैं बहुत सारे, जिनके मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। खिचड़ी रेसिपी भी है, तो उन सबको चेक कीजिएगा। बेबी फूड चार्ट भी है हमारे ब्लॉग में, एक असेट सा मैंने बना के रखा है जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे उपयुक्त वीडियोस और कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और हमारे चैनल में भी हम रेगुलरली ऐसे पोस्ट करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय।